नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज करौली पंचायत समिति के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, यहां पर जो प्रधानी जीत कर आए हैं, यहां पर आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं और किस प्रकार से ये प्रधानी जीते हैं और लोगों ने किस प्रकार से इनका सपोर्ट किया है, वो सारी चीज़ें हम बारीकी से जानेंगे। और आपको जो हमारी नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, उनसे भी हम आपसे रूबरू करवाएंगे कि वो किस प्रकार किन किन मुश्किलों को सामना करते हुए आज प्रधानी के पद पर आई हैं। हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं, मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बस अब क्या नाम है आपका? हरी सिंह बैरवा। हरी सिंह जी, आप ये चुनाव को किस नज़रिए से देखते हो? भाई साहब, मंत्री साहब की मेहरबानी है जी। कांग्रेस पार्टी की सभी प्रत्याशी पर कैंडिडेटों मेहरबानी थी जी। उनके आशीर्वाद से समस्त करौली जिला में कांग्रेस पार्टी के प्रधान, जिला प्रमुख, जैसे करौली पंचायत समिति हुकुमबाई मीणा निर्विरोध, जिला प्रमुख शिमला देवी निर्विरोध, तो काफ़ी अच्छा माहौल है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, ये जितने भी कैंडिडेट आए हैं मंत्री साहब के सानिध्य में, सब निर्विरोध आए। भाई साहब हमारे साथ में, सर अपना नाम बताइए। सर जलधारी मीणा। सर सर आप चुनाव में आए, मैदान में आए हैं, तो जनता के लिए आप क्या कहोगे? जनता के लिए हम मंत्री जी साहब के ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे और जनता का अच्छा काम करेंगे। मंत्री जी जो भी चाहेंगे वो सारी समस्याएं दूर करेंगे। सर लोग जानना चाह रहे हैं, जो प्रतिनिधि अपना, उसकी जो क्या क्या खूबी है वो आप बताइए। प्रतिनिधि की, हमारे कैंडिडेट की जी, हमारे कैंडिडेट की ये खूबी है कि शुरू से पार्टी में काम किया है, मैंने किया है और शुरू से रमेश जी का आशीर्वाद रहा है और रमेश जी के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अमरचंद बैरवा, सरपंच ग्राम पंचायत अतेबा। आप सर इसको जो चुनाव का रिजल्ट आया, इसको किस नज़रिए से देखने? नहीं, हमें इस नज़रिए मंत्री जी की मेहनत और मंत्री जी का आशीर्वाद रहा और सरकार के साथ लोग रहे, सरकार के साथ लोगों ने डिसीजन लिया। और जो आपका ये निर्विरोध चुनाव हुआ है उसमें आप क्या कहोगे? नहीं, हमारे मंत्री जी की मेहनत है, मंत्री जी का आशीर्वाद है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आई है, मंत्री जी की पूरी मेहनत हुई है और हम अब आपको जो हमारे प्रधान हैं उनसे रूबरू करवाएंगे, दो शब्द उनसे बोलने के लिए कहेंगे। आइए हमारे साथ में। दोस्तों अभी हम आपको नवनिर्वाचित प्रधान जी से आप रूबरू करवाएंगे। आपको नमस्कार जी, क्या नाम है पहले तो नाम बताइए आप दर्शकों को। हुकुम भाई। हुकुम भाई जी, और जनता के लिए आप क्या काम करोगे? जो भी होगा जो सब करेंगे, मंत्री के आशीर्वाद से हम जीते जी। और आगे भी अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करते हैं। दोस्तों हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जी। मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना मीना है जी। बीना जी आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? अच्छे नज़रिए से ही देख रहे, मंत्री जी के आशीर्वाद से मेरी मम्मी प्रधान बनी है, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आज अच्छा। और उनका आशीर्वाद था और पूरी जनता का सपोर्ट था। क्या काम करोगे अब आप जनता के? सारे काम जो भी मंत्री जी बोलेंगे वो सारे करेंगे और जो भी काम है इनके अंडर में आएंगे वो सारे काम करेंगे और जनता की फुल सेवा करोगे जी। अच्छा, बहुत अच्छे। दोस्तों ये थे हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी और उनके परिवार वाले।